बिल आ गया है। अरे कितना बिल आ गया है, देखूं तो सही जरा। अरे 50,000 रुपए बिल, मेरी तो सिर्फ 20,000 रुपए तनख्वाह महीने की, मैं 50,000 का बिल कहाँ से भरूंगा। मेरी बात सुनिए, वो बिजली के बिल से मुझे याद आया कि बच्चों की स्कूल की फीस भी आपने नहीं दी। 5,000 रुपए अगले महीने की थी और 5,000 इस महीने की, वो भी आपने देनी है। और हाँ, गैस का बिल भी आया हुआ 10,000, वो भी आपने देना है। और हाँ हाँ, मुझे ये भी याद आया कि घर में राशन खत्म हुए, वो भी लेके आने हैं आपने बाजार से। मेरी बात सुनिए, वो बिजली के बिल से मुझे याद आया कि बच्चों की स्कूल की फीस भी आपने नहीं दी। 5,000 रुपए अगले महीने की थी और 5,000 इस महीने की, वो भी आपने देनी है। और हाँ, गैस का बिल भी आया हुआ 10,000, वो भी आपने देना है। और हाँ हाँ, मुझे ये भी याद आया कि घर में राशन खत्म हुए, वो भी लेके आने हैं आपने बाजार से। मेरी बात सुनिए, वो बिजली के बिल से मुझे याद आया कि बच्चों की स्कूल की फीस भी आपने नहीं दी। 5,000 रुपए अगले महीने की थी और 5,000 इस महीने की, वो भी आपने देनी है। और हाँ, गैस का बिल भी आया हुआ 10,000, वो भी आपने देना है। और हाँ हाँ, मुझे ये भी याद आया कि घर में राशन खत्म हुए, वो भी लेके आने हैं आपने बाजार से। आखिर कब तक पाकिस्तान की अवाम महंगाई की वजह से इसी तरह खुदकुशी करती रहेगी। खुदारा खुदकुशी ना करें, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।